आज मेरा ना पहाड़ी टोपी पहनने का मन किया, पहाड़ी टोपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मम्मी जा रही है खेलने। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर अपनी गाड़ी की पूजा करवाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है प्रेमा ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है मॉर्निंग से, और सुबह सुबह ना हम नहाकर एकदम तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मुहूर्त निकला है मंदिर जाने का। क्योंकि हमारी गाड़ी तो हम ले आए थे, पर हम ना मंदिर नहीं जा पाए थे, तो आज हस्बैंड जी को टाइम लग गया है और हस्बैंड जी थोड़ा गाड़ी चलाना भी सीख गए हैं। तो बस अब उनके साथ आज हमें जाना है मंदिर, और बेटे की भी आज छुट्टी है, तो हमने सोचा था कि साथ में ही जाएंगे हम लोग मंदिर। तो आज हमें जाना है मंदिर, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने मंदिर में, तीन मंदिर में। और बेटा भी मेरा एकदम रेडी हो चुका है, ये देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग में। कहाँ जा रहे हैं आज हम? मंदिर। तो मैंने इसीलिए सोचा हुआ था कि अपने बेटे की मेरी जिस दिन छुट्टी, क्या पता पापा कहीं घुमा के भी ले आए। इतना टाइम नहीं है ना बेटा, पापा को इतना टाइम नहीं है, तो बस मंदिर जाने के लिए हमने आज टाइम निकाला है। तो अभी हम सबसे पहले हमें मंदिर जाना है, उसके बाद हम गाड़ी को कहीं और ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे इधर जो बड़ा मंदिर है ना, तीन मंदिर, तो वहाँ हम आज ले जा रहे हैं अपनी गाड़ी की। तो फिलहाल हमने ले ली है नारियल और चुन्नी वगैरह, और वो चढ़ाएंगे, अभी पूजा पाठ करते हैं। छोटा हो गया तू, वह हो गया, चलो अब। मैं जला लूं अम्मी जी, मैं जला लूं है? मैं आपने सब जगह जलाई, मैं जला। मम्मा चलो जल्दी चलो ना, पंडित जी बांध रहे हैं मम्मी पापा कार। मंदिर में पूजा करने के बाद पंडित जी आ गए हैं बाहर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप गाड़ी लाए हो तो मैं गाड़ी में थोड़ा बहुत पूजा कर देता हूँ। हमने कहा ठीक है, हमें इतना पता नहीं था कि पूजा वगैरह भी कर देते हैं पंडित जी। तो पंडित जी ने खुद कहा, तो हमने कहा हाँ जी आप कर दीजिए। तो पंडित जी ने बढ़िया तरीके से गाड़ी में पूजा वगैरह करी, और स्वास्तिक वगैरह बना रहे हैं। हस्बैंड जी से बातें भी चल रही थी पंडित जी की, क्योंकि जानते थे। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत देर तक सारा विधि विधान से जो कुछ होता है मंत्र वंत्र पढ़े, और स्वास्तिक वगैरह बनाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो गाड़ी की बाहर पूजा करने के बाद पंडित जी ने अंदर जाकर भी पूजा करी, और वहाँ पर जो हमने मूर्ति वगैरह रखी थी वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कुछ बनाया पंडित जी ने, और चुन्नी वगैरह बांधी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा ना बहुत गौर से देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना बच्चों के अंदर एक्साइटेड पना, काफ़ी एक्साइटेड रहता है वो ऐसी चीज़ों के लिए। देखिए तो सारी पूजा वगैरह अच्छे से हो गई, काफ़ी बढ़िया लगा। पूजा होने के बाद पंडित जी ने मेरे हस्बैंड जी को गाड़ी के अंदर बिठाया, और फिर कुछ मंत्र उच्चारण करे, उनके हाथ में फूल वगैरह दिए, और कहा कि जो मूर्ति है वहाँ पर मूर्ति में आप फूल वगैरह रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से ना पूजा भी हो चुकी है गाड़ी की, आज मन को तसल्ली हो गई है बहुत सोचते सोचते। देखिए जी, हम अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, और ये देखिए अब गाड़ी चलानी ना परफेक्ट आ चुकी है हस्बैंड जी को। तो जी, घर पहुंचने के बाद मैं बना रही हूँ अब नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज दाल की कचौड़ियाँ। तो बेटा तो करके चला गया था नाश्ता, मैं और हस्बैंड जी बच गए थे, तो बस मैं और अपने और हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ।
पूड़ी वगैरह और कचौड़ी। तो ये देखिए बढ़िया गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं, तो नाश्ता कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो जी मंदिर से हम आ चुके हैं घर और हमने ना नाश्ता भी कर लिया है और आज मैंने बनाई थी कचौड़ियाँ। तो बस अब काम से फ्री हो चुकी हूँ, अब क्या करूँ हो रही थी तो मुझे ना आज टुपली मिली है। टुपली मीन्स आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ मिली है। कभी कभी ना ऐसी चीज़ें करने का भी मन करता है। तो ये देखिए आज मेरा ना पहाड़ी टोपी पहनने का मन किया, पहाड़ी टोपी। वो आजकल गाना नहीं चल रखा है कि मुंड में टुपली सजी गे और आँख में चश्मा लगी गए। तो ये देखिए मुंड में टुपली भी सज गई है और आँख में चश्मा भी लग गया है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ना इसमें रील भी बना डाली है, आप लोग मेरे फेसबुक वगैरह में देख सकते हैं, मैंने रील बनाई है। और बस यही काम हो रहे हैं मेरे आज संडे के दिन। और बेटा जा रखा है खेलने के लिए, अभी मैं थोड़ी देर फ्री थी तो बस यही सब कॉमेडी सूझ रही थी मुझे। मेरा मन किया टोपी पहनने का और ये चश्मा पहनने का, कैसा लुक रहा लग रहा है मेरा ज़रूर बताइए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सुबह के नाश्ते के बाद अब होने लग गई है दिन के खाने की तैयारी, और जिसमें बना रही हूँ मैं राई की भुजी और रोटी। सब्जी बना के मैं आ चुकी हूँ बाहर धैर्य को बुलाने, पर यहाँ धैर्य की चल रही है अभी क्रिकेट मैच। चलो बच्चे यूज़ तो कर रहे हैं नेट का, जो नेट लगाया है ना उसका इतना तो फ़ायदा हो ही रहा है, क्योंकि तो टाइम मिल नहीं पा रहा था। अब पड़ेंगी छुट्टियाँ बच्चों की तो अब जाके खेलेंगे। हाँ करते करते भी बच्चे बोर हो जाते हैं, कुछ अलग होना चाहिए ना, तो बढ़िया तरीके से खेला जा रहा है, मज़ा आ रहा है ना तुम लोगों को है। अब बॉल तो नहीं खो रही है ना, चलो सही है, धूल उड़ा दे रहे हो पर तुम लोग। अरे वो नीचे मार रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मम्मी जा रही है खेलने और यहाँ पर मेरे हाथ में बॉल है, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से बॉल कराएंगे हम। ये देखिए हमारी बॉल आ चुकी है, ये आउट है। तो यहाँ हमारी मम्मी आउट हो चुकी है, यार इतना पता है मम्मी को, बॉलर बेकार है, अब बॉलर की बॉल देखो आप। लो करो बैट्समैन घायल हो करो, पूरी मुरी मैया और चौक ये लो कुछ क्या है। चलो भाई अपना शौक हो चुका है पूरा, इससे तो मेरी बहुत तेज मार पता है यहाँ पे। चलो भाई अब हम चलते हैं अपने काम पे। तो जी खाना हमने खा लिया है और आज हमने हरी सब्जी रोटी दही कद्दू की सब्जी पूरा प्योर पहाड़ी खाना खाया, मानी हरी सब्जी और रोटी जैसे कहते हैं ना दही वगैरह, बढ़िया तरीके से खाना खा लिया है। क्योंकि मॉर्निंग में ना कचौरी टाइप की बना दी थी मैंने दाल वगैरह की, तो काफ़ी हैवी हो गया था, इसलिए मैंने अभी हल्का फुल्का ही खाना बनाया। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों उठने के बाद अब हम सोच रहे हैं, एक ना एक ही चकोतरा बचा हुआ है लास्ट जो मम्मी ने भेजा हुआ था, बाकी कहाँ है, बाकी हमने खा लिया। तो अब हम सोच रहे हैं इसको रचा लेते हैं क्योंकि आज धैर्य भी घर में है तो मजा आए। झूठ मत बोलो मम्मी बहुत, अब इतने ही तो थे बाकी सामान था कुछ और दो ही थे। तो चलिए अब हम चकोतरा रचाते हैं और चकोतरा खाते हैं। आजकल ना नींबू और चकोतरा खाने के ही दिन है, पर लोग इसे धूप में खाते हैं, पर मैं इसे ना अपने कमरे में बैठ के खा रही हूँ क्योंकि ना मुझे धूप में बैठना पसंद नहीं है, मुझे धूप ना सूट नहीं करती है। तो चलिए मैं इसको रचाती हूँ और खाते हैं, है ना। तो दोस्तों ये देखिए ये मैंने सान दिया है चकोतरा। पता है बचपन में क्या होता था, जो इसकी ये कटोरिया जैसी निकली है ना, जब हम बहुत छोटे थे तो इसका जो छिक्कल होता था ना हम इस छिक्कल में ही रख के खा लेते थे, कई बार कटोरिया नहीं लगानी पड़ती थी।
तो ये देखिए, ये देखिए कटोरी जैसा नहीं है, इसमें खा लेते थे, तो आज ना बचपन की कई यादें ताजा हो रही हैं। तो मैं, मेरा काम देखिए थोड़ा, मैं बिस्तर में लेके बैठी हूँ ये सारा का सारा काम, और बिस्तर में सान रही हूँ मैं चकोतरा। बिस्तर से नीचे उतरने का मन नहीं कर रहा था ना, इसलिए मैंने यहीं पे सान दिया इसे। चलिए चकोतरा खाते हैं। तो जी चकोतरा ना तैयार हो चुका है, और अब हम इसको खाते हैं बैठकर, और मैं और मेरा बेटा, ये देखिए साथ में बेटा आज मेरे को कंपनी देगा खाने में। तो दोस्तों हो चुकी है रात, और ना पता है टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, क्योंकि थोड़ा सा कहीं काम से चली गई थी मैं, किसी की तबीयत ख़राब थी देखने के लिए। तो बस अभी घर आई हूँ, तो अब सब्जी वब्जी बना रही हूँ, और फिर बाकी के और भी कुछ काम है। तो चलिए आज की ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना और टाइम काफ़ी हो चुका है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।